अब हाईवे पर दौड़ रही रोडवेज बसों में यात्री अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। रोडवेज प्रशासन द्वारा तैयार करवाई गई नई बसों में मोबाइल का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। अब हर यात्री की सीट पर चार्जिंग पिन लगी मिलेगी और अकेले सफर करने वाले यात्री को बोरियत महसूस ना हो, इसके लिए रोडवेज प्रशासन ने बसों में क्लासिकल संगीत सुनने की भी व्यवस्था की है। महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। हर सीट पर विशेष व्हीसल सिस्टम लगाया गया है। यह मैसेज सीधे चालक की सीट से कनेक्ट रहेगा। महिलाएं किसी समस्या पर इसके जरिए बस को रुकवा सकती हैं या चालक को सूचना दे सकती हैं। साथ ही रेलवे के वातानुकूलित कोच में आपातकालीन व्यवस्था में कांच तोड़ने के लिए लगाए जाने वाली हथौड़ी इन बसों में भी लगाई गई है। बस के मध्य स्थित सीट पर यह हथौड़ी लगाई गई है। आगजनी से बचाव के लिए दो सिलेंडर भी लगाए गए हैं और साथ ही बसों में मेट्रो की तर्ज पर छोटे छोटे स्पीकर लगवाए गए हैं। स्पीकर की कमान चालक के हाथ में होगी। चालक स्टेयरिंग के साथ माइक में थामेंगे। बस चालक जानकारी देंगे कि आगे कौन सा स्टेशन है। अब इन बसों में 52 की बजाय 47 यात्री सफर कर सकेंगे। पुरानी बसें 52 सीटें होती हैं, लेकिन नई बसों में सीटों की चौड़ाई पुरानी बसों की अपेक्षा बढ़ाने से 5 सीटों की कमी हो गई है। बसों में कई बार हेल्थी यात्री बैठ जाने से दूसरे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को हल करने के लिए सीटों की चौड़ाई बढ़ाई गई है। रोडवेज प्रशासन ने पहले चरण में 876 नई बसें बनाने का ऑर्डर दिया था। शनिवार को जयपुर से इन बसों की डिलीवरी दी गई। शनिवार देर रात तक यह बसें तकरीबन हर डिपो पहुंच गई। अजमेरू डिपो को 20 बस मिली। शनिवार को 5 बसें पहुंच गई। शेष बची बसें भी जल्द ही पहुंचेंगी। वहीं अजमेर डिपो को 15 बसें मिली हैं। और क्या सुविधा है इन गाड़ियों में? देखो, इस बार जो गाड़ी आई है, पहले हमारे यहाँ पर सारी लीलैंड से गाड़ी आती है। इस बार अभी हमारे पास 4 गाड़ियाँ आके पहुँची है और भी आगे गाड़ियाँ आएगी। चारों गाड़ियाँ टाटा की है। इसमें सबसे बड़ी जो पैसेंजर के लिए सुविधा दी गई है, उसके अंदर चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, ताकि जो भी सवारी आजकल मोबाइल सभी यूज़ करते हैं और ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है कि उनको ज़रूरत पड़े तो वो मोबाइल चार्ज किया जा सकता है। इसके अंदर सवारी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी अच्छी सुविधाएं दी गई, जैसे कि एग्जास्ट के लिए एक्स्ट्रा इसके अंदर जो गेट दिया गया, कोई अगर गाड़ी में हादसा हो जाए और जो हमारा कंडक्टर साइड का गेट बंद होता है तो दूसरे साइड से उसके अंदर से आराम से खोल करके निकाला जा सके। कोई पैसेंजर के लिए सायरन बटन भी लगा है? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर सायरन बटन भी है। अगर कोई पैसेंजर को दिक्कत आती है तो उसके अंदर वो बटन दबा करके सायरन से अपने परेशानी को अवगत करा सकता है, गाड़ी को रुकवा सकता है। इमरजेंसी स्थिति के अंदर अच्छी सुविधाएं दी गई है गाड़ी के अंदर। अभी इस चीज़ का डिसाइड नहीं हुआ है। निश्चित रूप से लंबे टूर पर चलाने के लिए गाड़ियाँ हैं, जो जहाँ पर हमारे लंबे रूट है, झालावाड़ है, हरिद्वार है, इन रूटों पर उनको चलाने का प्रावधान। सर, कब तक ये गाड़ियाँ सड़क पे उतर जाएंगी? अब ये तो वहाँ से हमारे पास हेड ऑफिस से जब तक कागजात आकर के पहुँचेंगे, हम RTO के अंदर इसके परमिट जब रिन्यू हो जाएगा उसके बाद इन गाड़ियों को चलाया जाएगा। संभव है कि 2-4 दिन के अंदर इन गाड़ियों को चलाने की संभावना है हमारे।